कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में बंजारा नायक समाज द्वारा धमाका महारैली का आयोजन किया गया। इस धमाका महारैली में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, साथ ही केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की खूब तारीफ की। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह जनता ने पीएम मोदी पर 2014 से लगातार विश्वास जताया है, उसी विश्वास के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है। आज जिन लोगों को कभी सत्ता शासन में हकदारी नहीं मिली थी, आज उन्हीं के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बारी बारी से सभी समाज को जोड़ा जा रहा है, सभी समाज के लोगों को सत्ता शासन में हिस्सेदारी भी दी जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से बंजारा समाज भी इस सत्ता शासन की हिस्सेदारी में सहभागी हो। मोदी सरकार के दिशा निर्देशों पर सूबे की योगी सरकार भी काम कर रही है और प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री अजीत पाल, इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया, अकबरपुर रनिया विधायक प्रतिभा शुक्ला और कर्नाटक के गुलबर्गा से बीजेपी सांसद उमेश जाधव ने भी शिरकत की। इस बीच मंच पर मंत्री, सांसद, विधायक आदि की मौजूदगी में जमकर ठुमके लगे।